हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन, और आज कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट आज से चैप्टर को हम खत्म करें। ओके, सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 में आता है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज, हमारा जो सिस्टम है सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या है। अब देखिएगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है जो कि क्यू है, यहाँ पर हमारे पास चार्ज है 2Q है, और यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है जो कि माइनस का 3Q है। क्यों ना अपन एक काम करें, माइनस के 3Q को तोड़ लेते हैं माइनस के 2Q में, एंड माइनस के 2Q में एंड माइनस के क्यू में। ओके, क्यों ना अपन एक काम करें, माइनस के 2Q में एंड माइनस के क्यू में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो डाइपोल डाइपोल है, डाइपोल की फॉर्मेशन हो सके, क्योंकि आप सभी जानते होंगे डाइपोल जब बनता है जब हमारे पास दो चार्ज अपोजिट रहते हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम रहती है। इसीलिए अगर यहाँ पे प्लस का क्यू है तो मैंने ट्राई करा है कि यहाँ पे भी क्या आ जाए, माइनस का क्यू आ जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस का 2Q है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस का 2Q आना चाहिए। इसलिए हमने 3Q को तोड़ दिया है दो हिस्सों में, और वो दो हिस्से कौन कौन से हैं, एक है माइनस का 2Q, एक है माइनस का क्यू, है ना। आपका आंसर ये भी हो सकता है, आप ये भी पूछ सकते हैं, मास्टर यहाँ पे आपने माइनस का 2Q क्यों नहीं लिखा, आपने यहाँ पे माइनस का क्यू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे भाई डाइपोल जब बनता है जब हमारे पास दोनों के दोनों चार्जेस कैसे होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन साइन अपोजिट हो। भाई मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन साइन अपोजिट हो, इसीलिए सिमिलरली मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा। आप देखिएगा जरा एक बार, अब जैसे कि हम जा रहे हैं माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो हमारे पास डायपोल की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, लेट आउट किए पी है, और पी हमारे पास होता है क्या, क्यू इंटू एल, जो भी बीच की दूरी है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, पी होता है हमारे पास माइनस से पॉजिटिव की तरफ को डायरेक्शन होती है, और जो कि होता है पी इक्वल टू क्यू इंटू एल, लेकिन चार्ज यहाँ पर 2Q है, दूरी यहाँ पर एल है मास्टर, और जो इसका जो हमारा जो पी है डायपोल मोमेंट है वो कहाँ पर आ जाएगा, वो आएगा इसका सेंटर में। एक चीज और, ये वाला एंगल आप सभी जानते होंगे इक्विलेटरल है तो 60 डिग्री का होने वाला है, ठीक है। एक चीज और सर, ये इसे ना पी डैश कह देते हैं, तो 2Q इंटू एल है जिस वजह से ये हो जाएगा हमारे पास 2P हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2P हो जाएगा, ठीक है ना, हमारे पास 2P हो जाएगा। तो करते हैं मास्टर, एक वेक्टर हमारे पास P और एक कितना है 2P है, जरा करते हैं ध्यान से देखिएगा, है ना। देखो हमने करा क्या है, बेसिकली हमने ये करा कि Q इंटू एल को, जैसे कि आप जानते हैं इसको P लेट कर रखा है, Q इंटू एल को P लेट कर रखा है, तो 2 तो पहले था तो P अब आ गया, ठीक है। अब सुनिएगा जरा मेरी बात जरा ध्यान से सर, अगर मेरे पास आप चाहते हैं ताकि डाइपोल मोमेंट का बिल्कुल रिजल्टेंट आए, तो इसके लिए रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, वो होता है पहले का स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर यानी कि 4P² आ जाएगा। फिर क्या होता है, पहले का स्क्वायर और वो सॉरी 2 इंटू पहले वाला यानी कि P और दूसरे वाला यानी कि 2P, और कोस थीटा की जगह पे क्या आएगा, cos 60 आएगा। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं P² 4P² 5P² हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना है 2P कितना हो जाएगा, 4P² हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और यहाँ से 2 से 2 आ जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 5 + 2 बोले तो 7 हो जाने वाला है, 7P² एंड अगर मैं P को बाहर निकालू, P² को बाहर निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, P आ जाएगा। और जो P होता है, P क्या होता है मेरे भाई, P क्या होता है मेरे भाई, P होता है Q × L। पी क्या होता है भाई मेरे, पी है देखो क्यू इंटू एल, आपने लेट करा है, पी क्या है क्यू इंटू एल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, √7Q × L। ओके, आगे चलते हैं, फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, जो फोर्स है दो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में जो कि सेपरेटेड है कितनी डिस्टेंस से, आर डिस्टेंस से। तो भाई इसका आपको याद ही कर लीजिए, है ना, इसका जो आंसर आता है होता है 1/r^4, जो फोर्स लगती है दो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में लगती है r^4, 1/r^4। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं, देखिएगा देखो ये पहले ना कर रखे हैं, दरअसल ऐसा हुआ मैंने लास्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो क्या वो सब वही से नहीं आई यार, पता नहीं क्या सिस्टम है, समझ में नहीं आता, तो इसमें पता नहीं चल पाता मतलब कि वही से रिकॉर्ड हो रही है या फिर नहीं हो रही, तो अपन क्या करते हैं इसे दोबारा करेंगे, कोई नहीं ऐसा चलता रहता है थोड़ा सा, बट ये अपनी मेहनत वेस्ट जाती है ना, थोड़ा टाइम भी वेस्ट जाता है तो दुख होता है कहीं ना कहीं, कोई नहीं चलता रहता है। देखिए दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं, दो हैं इक्वल हैं, यानी कि दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी कि मास्टर एक है Q1 तो दूसरा है Q2, दोनों दोनों बराबर हैं जो कि इक्वल होंगे किसके,
क्योंकि दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं, दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज जो कि फिक्स्ड हैं एट द पॉइंट माइनस ए जीरो एंड ए जीरो ऑन दी एक्स एक्सिस। यानी कि आपको क्या बनाना होगा, नंबर लाइन बनानी होगी। सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक ओरिजिन होगा, बिल्कुल होगा मास्टर ओरिजिन। उसके बाद एक चार्ज रखा हुआ माइनस के ए जीरो पर, तो क्यों ना माइनस के ए हम यहाँ पे मान लें। और यहाँ पर एक हमारा चार्ज हो गया, एक चार्ज हमारा रखा हुआ है प्लस के ए जीरो पर, तो क्यों ना हम जो है यहाँ पर मान लें, है ना। एक चार्ज यहाँ पे हो गया, तो ये कितना हुआ, ये भी ए दूरी है, ये भी ए दूरी है। यानी कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है मास्टर वो कितनी हमारी, वो ए है। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितनी है मास्टर हमारी, वो भी हमारी ए है। आगे अ नेगेटिव चार्ज इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, एक नेगेटिव चार्ज जो हमने रेस्ट से छोड़ दिया एट द पॉइंट जीरो टू ए। यानी एक्स में तो देखो जीरो है लेकिन वाई में कितना है, टू ए है। तो वाई में जो है टू ए पे जो है यहाँ पे जो है हमारे पास एक चार्ज रखा है, मान लीजिए ये जो हमारे पास क्या है, टू ए है ना। थोड़ा सा बारीक लिखा गया है लेकिन दिख रहा होगा, विजिबल होगा सभी को, राइट। ये कितनी दूरी है हमारे पास, ये टू ए वाली दूरी है हमारे पास ऑन दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस तो जो यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है ना, यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है क्या, ये जो है चार्ज विल, चार्ज क्या करेगा, चार्ज कैसे नेगेटिव है, चार्ज कैसे नेगेटिव है। मैं इस डायग्राम को ना एक बार और बनाना चाहूंगा, हल्का सा प्यारा सा, आप जरा कृपया करके देखिएगा, है ना। इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, मैं कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें क्लियर चीजें बताना चाहूंगा आपको, सुनना इधर बस ना। एक चार्ज यहाँ पे क्यों है, एक चार्ज यहाँ पर भी क्यों है, और यहाँ पर क्या है एक, और यहाँ पर क्या है टू क्यू चार्ज रखा हुआ है, सॉरी टू क्यू नहीं, ये माइनस के क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर एक माइनस के क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब एक मुझे बात बताइए, क्या ये वाला जो चार्ज है इसके द्वारा इसमें अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। मास्टर अट्रैक्शन होगा, ये वाला चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा, ओके। क्या ये वाला चार्ज भी इस वाले बंदे को अट्रैक्ट करेगा क्या, बिल्कुल करेगा मास्टर। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो भाई मान लो ये एफ फोर्स लगा रहा है, ये एफ फोर्स लगा रहा है ना, तो क्या एफ नेट बीच में आएगी, तो क्या एफ नेट बीच में आएगी, बिल्कुल मास्टर। इसकी जो हमारी जो एफ नेट हो कहाँ पर आने वाली है, बीच में आने वाली है। और जब हमारी जो एफ नेट बीच में आएगी तो जिस वजह से क्या होगा, ये वाला जो चार्ज है ये बार बार अप एंड डाउन करेगा, भाई पहले नीचे आएगा, पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। यानी कि ये एस एच एम कर रहा होगा। अब देखो ये क्या करे, मूव टू दी ओरिजिन एंड रिमेन एट रेस्ट, ये ओरिजिन पर चला जाएगा और फिर क्या रेस्ट पर रहेगा, नहीं भाई ओरिजिन पर तो जाएगा लेकिन रेस्ट में नहीं रहेगा। मूव टू इन्फिनिटी, नहीं अनंत पे तो नहीं जाएगा। देखो अनंत पे कब जाता, जब ये जैसे रिपेल कर रहे हो, तो ये इसको इधर रिपेल करता है, ये इसको इधर रिपेल करता है, जब जाके ये अनंत पे जाता, नहीं ये भी नहीं होगा। एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी बट नॉट एस एच एम, ऑसिलेटरी तो कर रहा है लेकिन एस एच एम नहीं कर रहा। ये कह रहा है एग्जीक्यूट एस एच एम, बिल्कुल एस एच एम कर रहा है ना। इसका मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कृपया करके सही बताएंगे, एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी बट नॉट एस एच एम, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप सभी बताएंगे जरा मुझे इसका मतलब। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी बहुत ही आसान है भाई मेरे, है ना। अगला सवाल भी बहुत ही आसान है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट क्या करें, मजबूरी है थोड़ी सी, ये हो गया बस। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, हाँ दिख भी रहा है, जिसकी रेडियस आर है, हाँ ये रही रेडियस आर है मास्टर, कोई दिक्कत नहीं है। इज लोकेटेड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, हाँ बिल्कुल ठीक है, दे रखा है जैसे कि फिगर में दे रखा है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस इज, अब मुझे एक बात बताओ यार, अगरा फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना होगा थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेसेस। अब एक बात बताइए, क्या हेमिस्फेरिकल सरफेस का जो है ये कट कर रखा है आधा इसने, तभी तो हेमिस्फेयर बना है। हेमिस्फेयर बोले तो स्फेयर का जस्ट हाफ पार्ट, हाँ या ना। हाँ मास्टर बात तो सही है। क्या ये आपको एक सर्कल जैसा दिखेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, बिल्कुल। और अगर मैं आपसे इसकी बात करूँ तो क्या इसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होगा क्या, हाँ मास्टर होगा तो बिल्कुल। और अगर हम बात करें मेरी बात सुनना जरा ध्यान से मास्टर, इसका जो एरिया है क्या वो एरिया वेक्टर इधर की साइड को होगा क्या, बिल्कुल होगा। और मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मास्टर इधर की साइड को जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो एंगल तो थीटा की 180 आ गया, बिल्कुल आ गया। फाई इक्वल टू मास्टर हमारे पास होता है क्या, ई ए कोस थीटा होता है ना, हाँ बिल्कुल। और ई ए कोस थीटा की जगह पर क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। और भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है, एरिया कितना है, एरिया इसका मास्टर पाई आर स्क्वायर आएगा। बच्चे क्या करते हैं इसका एरिया 4πr² का आधा कर देते हैं, कहते हैं मास्टर 4πr² तो सरफेस का होता है, ये हेमिस्फीयर तो जस्ट आधा कर देंगे तो 2πr² आ जाएगा और ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये हो जाता है चमन गलत भाई, ये क्या हो जाता है भाई मेरे, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है फिर हमारा गलत, और गलत होने पे दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी, है ना, तो चीज़ सही नहीं है। आगे चलते हैं, ये आ जाएगा क्या पाई आर स्क्वायर ई आ जाएगा, हालांकि मास्टर माइनस के 1 होना चाहिए था और यहाँ से क्या आना चाहिए था, माइनस के आना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ऑप्शन में कोई भी माइनस नहीं है लेकिन ऑप्शन में प्लस का तो है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट
ए करेक्ट करेंगे, अगला चलते हैं। तीन चार्ज हैं, है ना। सवाल ये भी अच्छा है भाई, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, सुनिएगा जरा मेरी बात। ये क्या कह रहा है हमारे पास, ये क्या कह रहा है सर, ये क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है भाई हमारे पास है तीन चार्ज है। अरे कितने चार्ज है हमारे पास, तीन चार्ज है, ठीक है मास्टर। क्यों सारे सारे कैसे हैं, क्यों वाले हैं। ओके ईच क्यों, जो ये रखे हुए तीन कॉर्नर पर, किसके तीन कॉर्नर पर, स्क्वायर के तीन कॉर्नर पर, जैसे कि दिखा रखा है फिगर में। ओके देखते हैं, ये रहे तीन कॉर्नर पर, एक ये रहा और एक ये रहा, तीनों तीनों रखे हुए हैं। एंड क्यू बाई टू इज एट वन कॉर्नर, और जो क्यू बाई टू है वो कहाँ पर है, वो एक कोने पे है, बिल्कुल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा। अरे अरे चमन एक बात बता, ये प्लस का है क्या, ये वाला परिंदा प्लस का है क्या, ये वाला परिंदा प्लस का है क्या, बिल्कुल है। प्लस के क्या होता है, अगर तुझे याद हो प्लस के क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलती है, निकलती है कि नहीं निकलती है ऐसा। अरे ऐसा बनाया होगा कहीं तो डायग्राम, बनाया कि नहीं बनाया, जल्दी बोल। अरे ऐसा बनाया होगा, बिल्कुल मास्टर, इससे बाहर निकलेगी। अब तुझसे ओ पॉइंट पूछ रहा, तो क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इधर होगी क्या, अरे बोलना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इधर होगी क्या। हाँ मास्टर बिल्कुल होगी। तो सिमिलरली क्या इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इधर होगी, हाँ मास्टर होगी, तो बिल्कुल इससे भी इधर ही होगी। अब मुझे यार एक बात बता, क्या दोनों के डायरेक्शंस, क्या दोनों की डायरेक्शन जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है क्या, अरे क्या दोनों की डायरेक्शंस, क्या दोनों के डायरेक्शंस जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है क्या। हाँ मास्टर है, तो नीचे वाला तो इधर लगा रहा है, ये वाला परिंदा कुछ इधर लगा रहा है, दोनों डायरेक्शन जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है क्या, बिल्कुल है। अब जब जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हाँ कर तो देंगे, कर देंगे ना। हाँ अब सुन इधर, ठीक है इसको ना अपना रफ कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब बात करते हैं औरों, क्योंकि वे जो दो बाकी के बचे हुए ना, हाँ अब इनकी बात कर लेते हैं। इधर सुन जरा ध्यान से भाई, भाई इधर से सुन जरा ध्यान से, सुन ध्यान से सुन मास्टर, क्या ये वाला जो बंदा है, क्या ये वाला बंदा इधर फोर्स लगा रहा हो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा क्या, बिल्कुल लगा रहा होगा। इस चार्ज पर कितना लगा रहा होगा मास्टर, ये भाई ये लगा रहा होगा। अच्छा ये ई होगा, कितना, ई का फॉर्मूला होता है के, ये क्यों चार्ज है, क्यों चार्ज है ना भाई, ये क्यों चार्ज है ना, हाँ हाँ क्यों चार्ज है, डिवाइड बाय दूरी कितनी है, एल का स्क्वायर है। ओके मास्टर ठीक है ना। लेकिन मास्टर ये वाला जो परिंदा है, ये वाला अपना, ये क्यू बाई टू, भाई क्यू बाई टू जो है मास्टर इधर लगा रहा होगा क्या, भाई बिल्कुल ये जो है इधर लगा रहा होगा, क्यू बाई टू, जिसको हम जो है ई डैश कह देते हैं, बिल्कुल। क्या ई डैश का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के हो जाएगा, चार्ज कितना है, क्यू बाई टू, तो क्या क्यू बाई टू आएगा, क्यू बाई टू आएगा। लेकिन मास्टर डिस्टेंस कितनी है, एल का स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर हो गया। अरे हो गया क्या, नहीं हो गया, हाँ हो तो गया। अच्छा एक बात और बताइए, आप जरा बताइए, जब तेरा के क्यू बाई एल स्क्वायर जो है वो ई है, तो क्या ई डैश जो है ए बाई टू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा मास्टर। तो क्यों ना मैं इसको एक काम कर लूँ, ई बाई टू लिख लूँ, भाई बिल्कुल लिख ले, मैं तो मना नहीं कर रहा। एक बात और बता जरा, ई तो तेरा इधर लग रहा है, ई बाई टू तेरा इधर लग रहा है, तो ई माइनस ई बाई टू जाएगा तो कितना बचेगा मास्टर, ई नेट जो हमारा आएगा ना, ई माइनस ई बाई टू आएगा, और ये बच जाएगा फिर ई बाई टू बच जाएगा। ई की वैल्यू कितनी थी तेरी मास्टर, ई की वैल्यू थी हमारी के क्यू अपॉन में एल का स्क्वायर इंटू है टू। ओके ठीक है। अच्छा के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू क्या होती है मास्टर, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, हाँ, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और ये कितना है, क्यू बाई एल का स्क्वायर है। अच्छा लेकिन यहाँ ना मल्टीप्लाई भी करनी होगी, पता है किसकी, टू की, और 2 4 जना 8 हो जाता है, यानी सारे सारे ऑप्शन जो 8 का ना वो सही होगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा या फिर ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बच किधर रही है भाई, ई ज्यादा है, ई बाई टू कम है, तो डी की तरफ बच रही है ना, हाँ। अच्छा तो मास्टर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ये तो आसान सा है। अगला चल लो, अगला चल लो भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है मास्टर, अगला सवाल क्या कह रहा है मास्टर, अगला सवाल कह रहा है एज वन मूव, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो एक बंदा है वो मूव कर रहा है, एक बंदा वो मूव कर रहा है रेडियली, कहाँ से मूव कर रहा है, रेडियली मूव कर रहा है, रेडियली फ्रॉम इन्फिनिटी टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। जो ये है हमारे पास, जो एक है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कहाँ से, इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से टुवार्ड्स सी, किसकी तरफ, अरे किसकी तरफ, फ्रॉम इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से किसकी तरफ, टुवार्ड्स सी, सेंटर की तरफ, सेंटर भी किसका, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर, जो पूरा पूरा चार्ज है, हमारे पास एक स्फेयर है, हमारे पास एक स्फेयर है जो कि हमारे पास कैसा है, ये पूरा पूरा चार्ज है, ठीक है ना, इसकी रेडियस कैसी है, आर है ना, और चार्ज भी कैसा है इसके ऊपर, पूरे के ऊपर पॉजिटिव है। ओके एज वन मूव, जैसे कि वन मूव कर रहा है रेडियली फ्रॉम इन्फिनिटी टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल, अच्छा एक बात होता ना, इन्फिनिटी से है बंदा, ध्यान रखना, इन्फिनिटी से किधर की तरफ को, किधर की तरफ को, सेंटर की तरफ को है, और
इन्फिनिटी से सेंटर की तरफ को आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है भाई, धीरे 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 जैसे जैसे आएगा आएगा आएगा, बढ़ती चलेगी बढ़ती चलेगी बढ़ती चलेगी धीरे 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 धीरे, क्योंकि तू भी जानता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाई, अरे भैया सरफेस पर फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना, और कहीं ये दूर वहां पे क्या होता है, के क्यू बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, यही पता होगा, दूरी जैसे बढ़ती है या जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। हाँ मास्टर ये तो है, हाँ मास्टर ये तो है, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ भाई तेज से, दूरी जैसे जैसे बढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे हमारा घटा। सिमिलरली यहाँ पर जो सरफेस पर होती है, सरफेस पर कैसी वैल्यू होती है, मैक्सिमम होती है, और अंदर तो आके कैसे हो जाता है, या तो हमारा जीरो होता है नॉन कंडक्टिंग में, या फिर कंडक्टिंग में आके क्या हो रहा होता है, डिक्रीज होता रहता है, धीरे 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 सेंटर पर आके जीरो हो जाता है। तो पहले क्या हुई है, पहले क्या हुई है मास्टर, ये देखो पहले क्या होती है, धीरे 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 बढ़ती है और फिर उसके बाद घटती है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, बताइए। अगला सवाल क्या है, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो कैसा होने वाला है मेरे भैया, इनकरेक्ट होने वाला है, कौन सा जो ऑप्शन है वो कैसा होने वाला है मेरे भैया, इनकरेक्ट होने वाला है, किसके लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, एक बार वो देख लेते हैं भाई, माइक चल रहा है नहीं चल रहा, 1 मिनट, चल तो रहा है माइक्रोफोन होने, चल रहा है, चलेगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, कौन सा ऑप्शन जो है हमारा गलत है, अरे कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है, किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फील्ड के लिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, इट मे बी, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, भाई बिल्कुल कंजर्वेटिव होता है। अगला इट मे बी नॉन कंजर्वेटिव, अरे चाचा नॉन कंजर्वेटिव कहा होता है, तो कंजर्वेटिव होता है तो गलत, तो आपने सेकंड ही बता दिया, इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, बिल्कुल करता है भाई, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, थर्ड तो सही है ना, थर्ड तो सही है भाई, थर्ड तो सही है। अगला इट प्रोड्यूस लेंथ वाइज कॉन्ट्रेक्शन बिटवीन डी सिमिलर चार्ज, बिल्कुल, अगर चार्ज जो है सेम नहीं है, अलग अलग है, अगर चार्ज जो है सेम नहीं है अलग अलग है, तो भैया होगा क्या, ये कॉन्ट्रेक्शन शो कर देता है, कर देता है, बिल्कुल कर देता है, तो नंबर 4 भी सही है ना, जैसे आपने देखा होगा ना कि भाई ऐसे ऐसे ना कुछ, ऐसे ना कुछ। अब देखो यहाँ पर गैप बहुत कम है, यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, बस ये पॉइंट है और तो कुछ नहीं है, बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा सवाल है भाई मेरे, डायग्राम भी बना रखा है मैंने तो इसका, पर सवाल अच्छा है ना, ध्यान रखना। सवाल बहुत ही अच्छा है, सुनेगा इधर, कोऑर्डिनेट ऑफ अ स्क्वायर आर गिवन एज, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के जो हमने क्या दे रखे हैं ना, कोऑर्डिनेट दे रखे, स्क्वायर के कोऑर्डिनेट है -1 और 1, ये हमारे पास कितना है एक्स है, ये हमारे पास कितना वाई है, 1 और 1, ये भी हमारे पास कितना है एक्स और ये भी वाई है, -1 -1 ये भी एक्स ये भी वाई, 1 -1 ये भी एक्स ये भी वाई। अब ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जैसे माइनस का भी और प्लस का भी, और दो ही कोऑर्डिनेट है, एक एक्स का एक वाई का, तो एक काम करते हैं पहले नंबर लाइन बनाते हैं, बना ली, ये 0 हो गया। सुने, कोऑर्डिनेट ऑफ अ स्क्वायर आर गिवन एज, जो स्क्वायर के जो कोऑर्डिनेट है दे रखे हैं कौन कौन से, एक है -1 और एक है 1, क्या -1 और 1 क्या इसका -1 यहीं पे होगा, क्या इसका 1 यहाँ पे होगा, बिल्कुल मास्टर। अगला 1 एंड 1, क्या इसका 1 यहाँ पे होगा, इसका तो 1 गिवन है। अगला -1 -1, एक का -1 यहाँ पे, तो एक का -1 क्या यहाँ पे होगा, बिल्कुल मास्टर। और बताओ, एक का 1 एक का -1, यानी x का है 1, ओके समझ गया मैं। ये देखो सबसे पहला कोऑर्डिनेट एक तो यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, आपको अगर विश्वास ना हो तो आप देख सकते हैं, मिला के देख सकते हैं कोऑर्डिनेट को, ये लो बना दिए। नहीं मास्टर समझ में नहीं आई बात, समझाओ थोड़ा, देख सुन, पहले का कोऑर्डिनेट क्या करें, -1 और 1, यानी एक्स में -1 और वाई में +1, एक्स में -1 और वाई में +1, जब तो यहाँ पे चलेगा तो क्या ये वाला कोऑर्डिनेट बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा मास्टर। अगला क्या कह रहा है, एक्स में 1 और वाई में 1, ठीक है, एक्स में तेरा 1 यहाँ पे होगा क्या, वाई में तेरा 1 यहाँ पे माना है, तो क्या इसका कोऑर्डिनेट वाला बैठेगा, नहीं बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा मास्टर, ठीक है ना। अगला बता,
मास्टर एक्स है माइनस वन, वाई है माइनस वन। क्या तेरा एक्स जो है ये माइनस वन है? हाँ। क्या तेरा वाई का माइनस वन ये है? हाँ, तभी तो ये वाला कोऑर्डिनेट बैठा है। बता अगला सवाल क्या कह रहा है। क्या एक्स जो हमारा वन है, क्या वाई जो हमारा माइनस वन है? बिल्कुल है मास्टर। अगर हमारे जो एक्स है वो प्लस के वन हुआ, और जो वाई है वो कैसे हुआ? माइनस के वन हुआ। अब आप बताइए सर, अब आप बताइए सर, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कैसी भी, हाँ जी, अगर किसी को कैसी भी एज सच प्रॉब्लम है तो वो कृपया करके बताए। कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव फील्ड इज 10 वोल्ट पर मीटर अलोंग जेड एक्सिस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इज। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखे जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस का मतलब क्या होगा कि यहाँ से कहीं ना कहीं, यहाँ से कहीं ना कहीं कहाँ की तरफ को निकल रहा होगा, या बाहर की तरफ को निकल रहा होगा। जेड एक्सिस इसे तो बोलते हैं अगर पता हो तो। थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाएं, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाएं मित्र भाई, भाई मेरे दोस्त, भाई मेरे दोस्त, थोड़ा सा बस क्या लगाएं, कॉमन सेंस लगाएं हल्का सा। क्या यही जेड एक्सिस होगी? बिल्कुल होगी मास्टर। क्या इधर की साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है? क्या? बिल्कुल दे रखा है मास्टर। कितना दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड जरा बताएं मुझे एक बार। भाई उधर रखा है 10 वोल्ट पर मीटर। ओके। लेकिन मुद्दा ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर फेस इज वो कितना होने वाला है? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पूरे पूरे स्क्वायर फेस के लिए मास्टर, वो जो है हमारा कितना होने वाला है आप ये बता दीजिए। यदि स्क्वायर के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो 10 वोल्ट पर मीटर है अलोंग जेड एक्सिस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर फेस इज वो कितना होने वाला है बताइए जरा। भाई मेरी बात सुन, जरा एक बात सुन, सुन सुन ध्यान से सुन, बहुत 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 आसान है। अरे सुन, अरे सुन सुन सुन, फाई इक्वल टू क्या? ई डॉट डी एस कोस थीटा होता है। हाँ मास्टर होता है। तूने किस प्लेन में बनाया है अपना, ये से बता डायग्राम स्क्वायर मास्टर। एक्स वाई प्लेन में बनाया है, पक्की बात, पक्की बात। तो इसका एरिया क्या जेड में होगा? बिल्कुल मास्टर, इसका जो एरिया है वो जेड में होगा। ओके, बस यही सुनना चाहता था और कुछ नहीं। जब तूने एक्स और वाई बनाया है तो ये निकल किधर की तरफ को रहा है? ये बाहर की तरफ को निकल रहा है मास्टर। ये किधर निकल रहा है? ये बाहर की तरफ को निकल रहा है मास्टर। हाँ मास्टर बात तो सही है। अब एरिया बाहर की तरफ को निकल रहा है, आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, आपकी स्क्रीन की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा होगा इसका एरिया, या फिर नीचे की तरफ को जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, यानी जेड के, जेड की तरह ही है। जेड क्या होती है आप भी जानते हैं, जेड जस्ट परपेंडिकुलर। मैंने 70 बार बताया हुआ, बहुत बार बताया हुआ। आप एक काम करें, अपने रूम का एक कॉर्नर ले लें, है ना, और उसमें जो है इस प्लेन को, इस स्क्वायर को एक्स वाई में रखें, तो इसका जो एरिया वो जेड की तरफ आएगा, गारंटेड जेड की तरफ आएगा। तो मुझे जो एक बात बताएं, इसका एरिया पहली बात तो ये, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? वन है। यहाँ से यहाँ की भी दूरी कितनी है? ये वाली भी वन है। ओके, अब मास्टर वन और वन टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 2। हाँ जी भैया, टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी मास्टर 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी ना? बिल्कुल हो जाएगी 2, है ना, क्योंकि आपको पता है ना यार, इसके कोऑर्डिनेट देखो जरा, इसके कोऑर्डिनेट कितने? प्लस का वन माइनस का वन एक्स में, इसके प्लस का वन एक्स में, माइनस का वन वाई में, तो सिंपल 1 और 1 2 है। अब अगर आप इसका एरिया निकालें तो शायद मेरे हिसाब से 4k कैप आएगा, आएगा नहीं आएगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी 10 k कैप है। और अगर आप निकालना चाहेंगे तो फाई इक्वल टू, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10 k कैप है, और ये कितना है फिर? 4 k कैप है। और आंसर कितना आएगा? 40 वोल्ट मीटर आएगा। बोलने का बोलने का बोलने का बोलने का अरे बताइए आंसर, जल्दी बोले, जल्दी बोले। हाँ मास्टर ठीक था, लेकिन मास्टर फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? फ्लक्स की यूनिट सेंटीमीटर थोड़ी ना होते। बिल्कुल भाई, फ्लक्स यूनिट क्या होती है? फ्लक्स यूनिट होती है वेबर, WB। चलो 40 आंसर है। बिल्कुल मास्टर, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अगला सवाल, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। ओके, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, अपन कराने का अभी कराएंगे ना वीडियो लॉग, टेंशन नहीं लेने का, कोई भी कैसी भी टेंशन नहीं लेने का, कोई भी हाई हल्ला नहीं करने का, सबको मिलेगा प्रसाद। सुने, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल एट अ सेपरेशन 1 मीटर? दो चार्ज पार्टिकल हैं, कितना सेपरेशन 1 मीटर का है? एफ इक्वल टू आप सभी जानते हैं क्या होता है, क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर होता है ना। दो चार्ज पार्टिकल कह रहा है, के की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10^9 होती है। क्यू वन क्या है? चार्ज पार्टिकल 1.6 × 10^-19। अगला क्यू टू क्या है? ये भी 1.6 × 10^-19 डिवाइड बाय आर कितना है?
कोई नहीं, आर की वैल्यू कितनी होनी है? आर की वैल्यू होने वाली है 1 मीटर। 1 मीटर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो भाई मुझे एक बात बता, जरा नीचे से तो कुछ लेन देना है नहीं, है ना? ऊपर ये जो चीजें हैं, तो -19 -19 माइनस के 38 और प्लस का 9, तो ये कब आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस के 38 और प्लस के 9। माइनस के 38 है और प्लस के 9 है, तो फिर कितना बच जाएगा ये? तो फिर ये कितना बच जाएगा भाई मेरे? ये बच जाएगा मास्टर हमारे पास सिंपल सा है, माइनस के 29 बच जाएगा इंटू 1.6। 1.6 करो तो 2.56 आ जाएगा। 2.56 का भी काम कर लो, 9 में कर लो। तो जैसे ही मैं 9 में करूंगा, तो 9 6 54 होता है, 9 5 45, 5 49 49 6 9 18 4, 18 4 22 हो जाएगा। 22.94 इंटू 10 की पावर माइनस के 29 है, यानी कि मैं इसको अप्रोक्स में 23 मान सकता हूँ, इंटू 10 की पावर माइनस के 29 है। ये लीजिए सर न्यूटन, बताएं। पावर पूछिए केवल, तो पावर कह रहा है भाई केवल। हाँ नहीं, 29 है तो यहाँ पे 27 आएगा ना भाई। 2 पॉइंट अगर आप आगे खिसकाओगे तो यहाँ पे 29 नहीं, कितना आएगा? माइनस के 27, तो माइनस के 27 पा रहा ना, बताएं। अगला सवाल चलेंगे। यदि इवन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, भाई मेरे बात सुनेंगे जरा ध्यान से, भाई मेरे बात सुनेंगे जरा ध्यान से मेरे भैया, रे अरे सुनेंगे रे सुनेंगे। इवन जो है, यदि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन दी एक्सिस, किसकी एक्सिस पर है? ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल। 1 मिनट, चलिएगा आगे, चलिएगा सर सुनिएगा। देखो मेरी बात सुना जरा ध्यान से। इवन जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारा जो इवन है, इवन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पर? ऑन द एक्सिस ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर। एक्सिस 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 एक्सिस, अरे मित्र एक्सिस एक्सिस बोले तो एक्सेल कह रहा है। यहाँ पे माइनस का क्यू मान ले, यहाँ प्लस का क्यू मान ले बीड़ू लोग। अरे इधर सुनने का भाई लोग, अरे इधर इधर तुम देख किधर रहे हो? इधर देखने का, इधर देखने का। ये कह रहा है यहाँ से आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक दे रखा, कितना? इवन दे रखा है, देख। यही है क्या? हाँ मास्टर है। तो यही आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? कह रहा है एट अ डिस्टेंस आर एंड ई टू एट द सेम डिस्टेंस आर अबाउट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम दी डाइपोल। डाइपोल से जो है लगभग 60 डिग्री के एंगल पर, ये ले मास्टर 60 डिग्री के एंगल बनाते हुए, और यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, ये जो है ई टू है, कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। देन इवन बाई ई टू पूछा जा रहा है। अरे क्या पूछा जा रहा है भैया? इवन बाय E2 पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा क्या, और पूछना भी चाहूंगा क्या, इवन की जो वैल्यू है वो 2 kP अपन में आर की क्यूब होगी क्या? बिल्कुल होगी मास्टर। फिर मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि हमारा जो E2 है, क्या हमारा जो E2 है, E2 की जो वैल्यू है, E2 की जो वैल्यू है वो क्या होगी? वो क्या kP अपन में आर का क्यूब? केपी अपॉन में आर का क्यूब 1 + 3 cos² थीटा होगा क्या? बिल्कुल मास्टर, एक ये फॉर्मूला होता है, केपी अपॉन में है आर का क्यूब है ना, और स्क्वायर रूट में क्या है हमारे पास? 1 + में है 3 है। कोस थीटा की वैल्यू कितने? cos 60। कोस 60 कितना होता है भाई? cos 60 होता है मास्टर 1/2। 1/2 का अपन क्या करने वाले हैं? स्क्वायर करने वाले हैं। तो फिर कितना आएगा? केपी अपॉन में आर का क्यूब आ जाएगा। अंदर कितना आ जाएगा ये हमारे पास? अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा 3/4। ओफो, तुम्हारा होना जरूरी था। 1 + 3/4 हो जाएगा, 4 × 4 = 3, 7, 7/4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या सर? ये आ जाएगा हमारे पास क्या सर? केपी अपॉन में आर की क्यूब आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7/4 स्क्वायर रूट में E2। रेशो में दे रखा ना सर, तो डिवाइड कर लो भैया। क्या ही जा रहा है अपना, सुनिए इधर मास्टर। E1 बाई E2 कर लेते हैं। E1 जो है वो कितना है? E1 जो है हमारा वो कितना है मास्टर? E1 है हमारे पास 2 kP अपॉन में R का क्यूब। ओके E2 हमारे पास कितना है? E2 हमारे पास कितना है? E2 हमारे पास kP अपॉन में R के क्यूब, kP अपॉन में R के क्यूब। और बताओ
सुनेगा भैया, रे सुनेगा, रे सुनेगा, रे क्या हो गया मास्टर ये मेरे जीवन की। सुनो इधर, के पी आर क्यूब, के पी आर क्यूब, नीचे की नीचे ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करें मास्टर, टू तो जिंदा है लेकिन। हाँ, टू जिंदा, मैंने कैच करा टू को। और नीचे क्या आएगा, स्क्वायर रूट से बनाएगा, बताओ। फोर को बाहर निकाले तो टू आएगा, टू तो फोर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट सेवन हो जाएगा। ये तो बताइए आंसर है क्या, आंसर है तो, अरे है कि नहीं है? बहुत ही अच्छा सा सवाल है, अगला चलते हैं। हाँ जी वीडियो लोग देखने का, अरे भाई लोग देखने का, हाँ जी भाई लोग देखने का, अरे वीडियो लोग देखने का। 2.4 चार्जेस हैं, ये कह रहे 2.4 चार्ज हमारे पास जो कि क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई 2.4 चार्ज हमारे पास जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस 4 मीटर इन एयर। यानी कि जो डिस्टेंस है, आप जानते हैं फोर्स क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, है ना। ये कह रहा है जो डिस्टेंस है इसकी 4 मीटर है हवा में, और ये एफ फोर्स जो है लगा रहे हैं एक दूसरे पर। तो डिस्टेंस एट विच दिस चार्ज विल एग्जर्ट द सेम फोर्स इन अ मीडियम, यानी कि कितनी दूरी पर ये जो चार्ज है ये एग्जर्ट करेंगे सेम फोर्स, यही फोर्स जो एग्जर्ट करेंगे कितनी दूरी पर इन अ मीडियम जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 16 है। ओके 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 ओके, सेम फोर्स लगानी है, सेम फोर्स लगानी है। के आर डैश क्या होगा, ये तो पूछा है। हाँ देख सुन मेरी बात, के क्या है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाला है, होता बहुत कुछ है। कुछ कुछ लोग इसे, मैं बताता हूँ कैसे करना होगा सवाल। 2.4 चार्ज है प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस 4 मीटर, जब मैं इसे 4 मीटर रखूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा क्या? एग्जैक्ट फोर्स है, बिल्कुल एफ फोर्स लगा रहा है। आगे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस एट विच कितनी दूरी पर जो चार्ज है एग्जर्ट करेंगे सेम फोर्स, ठीक है, इन अ मीडियम, एक मीडियम है जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 16 है। तो ये क्या आएगा, 1/16 आर डैश का स्क्वायर। तो क्या 16 से 16 जाएगा, 16 जाएगा, 1/r का स्क्वायर जाएगा, इक्वल टू 1 होगा। आर डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा क्या? तो आर डैश की वैल्यू भी 1 मीटर ही होगी। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको ना मेरे भाई, क्या कि कुछ, ये तो हो गया शॉर्ट तरीका ना, ये तो इसका शॉर्ट तरीका। कुछ कुछ बंदे क्या कर रहे होते हैं, इसको बहुत अच्छे मेथड से कर रहे होते हैं वीडियो लोग, क्या पता है, पता है क्या कह रहे होते हैं मास्टर? एफ इक्वल टू है के Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, दूसरे में क्या है मास्टर पता है? मैंने कहा हाँ मास्टर, इसे ऐसे मत लिखो, आप इसे ऐसे लिख लो। मैंने कहा चलो ऐसे लिख लेंगे, लेकिन आर की जगह पर ना अपना 4 रख लो। ठीक है और बताओ, अब एफ डैश, जब एफ और एफ ये दोनों सेम ही होंगे, लेकिन इस बार ना 1/4 पाई एप्सिलॉन तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस बार ना के भी आएगा। जिसमें ना Q1 Q2 ओपन में आर का स्क्वायर होगा, Q1 Q2 ओपन में आर का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, कितनी दूरी होगी, कितनी दूरी होगी यदि के की वैल्यू जो 16 है। अब मुझे एक बात बता यार चमन, हाँ बताओ मास्टर, क्या इसकी वैल्यू Q1 Q2 by 4 pi epsilon, क्या इसकी वैल्यू 16F हो जाएगी? हो जाएगी मास्टर, क्यों नहीं हो सकती, हो जाएगी ना। और यहाँ भी एफ है, हाँ के की वैल्यू कितनी, 16 है, आर का स्क्वायर बताओ। कुछ चमन लोग ऐसे कर रहे होते हैं, एफ से एफ काटते हैं 16 से 16, फिर आर स्क्वायर की वैल्यू कहते हैं 1, जिसकी वजह से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मीटर। कर लें, ऐसा भी तरीका है। अगला, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है किसमें, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। विच क्वांटिटी डज नॉट चेंज, कौन सी क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं हो रही है? भाई मेरे, स्पीड चेंज होती है बिल्कुल, कम और तेज, ज्यादा कम और ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। कैसे हो जाती है भाई, कोलिजन से भी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज पार्टिकल के कोलिजन से भी हो जाती है ना, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हो जाती है, और चार्ज के नेचर से भी हो जाती है। अगला, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन भी डिपेंड करती है भाई, है ना। विच क्वांटिटी डज नॉट चेंज, मोशन के डायरेक्शन को जब चाहे, जब मर्जी, जब आपको मन करे जब बदल सकते हैं। एसेलेरेशन को कभी भी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि एसेलेरेशन होता है एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू एम ए, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, क्यू ई बाय एम होगी, तो इसको बदलना नामुमकिन सा है थोड़ा। तो भैया विच क्वांटिटी डज नॉट चेंज, कौन सी क्वांटिटी को नहीं बदला जा सकता? नंबर थर्ड, एसेलेरेशन को नहीं बदला जा सकता। अगला चलें, अगला क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है देयर इज अ यूनिफॉर्म, देयर इज अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, क्यों ना इसको जो है रफ कर दिया जाए। ओके
देर इज अ नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, हमारे पास जो है एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है जिसकी रेडियस आर है, विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, जिसको हम क्या कर रहे हैं, चार्ज्ड कर रहे हैं। देखो नॉन 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 कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग है मित्र। अरे मेरे भैया नॉन कंडक्टिंग है रे, है ना। रेडियस कितनी है इसकी, आर है। अरे रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस कितनी है इसकी, आर है, विच यूनिफॉर्मली चार्ज हम इसे कर रहे हैं। इफ स्मॉलर कंसेंट्रिक स्फेयर ऑफ रेडियस आर बाई टू इज रिमूव्ड, यानी कि अगर इसके अंदर से एक कंसेंट्रिक स्फेयर जो है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो जो है आर बाई टू है, ठीक है भाई। इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस वो कितनी है, इसकी जो रेडियस वो कितनी है, वो है आर बाई टू। आर बाई टू यदि मैं रिमूव कर दूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कैविटी के अंदर, इस वाली कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होने वाला है भाई, जब तू इसे रिमूव कर देगा तो खाली जगह बचना तो जीरो होगा ना। सोचना ही क्या है, बता, खत्म। अगला चल, अगला चल। अब पार्टिकल ए ऑफ चार्ज क्यू, जो पार्टिकल है ए भाई, देखो बहुत पढ़ा रखे हैं यार, सारे सवाल करा देते मोस्टली ना, काफी सवाल हो गए थे और पता चला वही से रिकॉर्ड नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ खैर मेहनत को करने का। खैर अब बताओ क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी तो नहीं सकते इसमें। चलिए कोई नहीं, चलते रहते हैं थोड़ी बहुत चीजें ना जी। जी सर, सुनिएगा, एक पार्टिकल है ए जिसके पास चार्ज है क्यू, जो कि रखा हुआ है एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन प्लेन शीट के पास, ये लीजिए भैया। एक पार्टिकल है ए जिसका जो चार्ज हो कितना है क्यू है, एक पार्टिकल है ए जिसका जो चार्ज हो कितना है वो है भैया हमारे पास क्यू, जो रखा हुआ है। एक पार्टिकल है ए जिसके पास जो चार्ज है, चार्ज कितना है क्यू है, जो रखा हुआ है नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है भाई ये लो, ये रख दिया हमने। आगे, विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स F1 व्हेन दिस पार्टिकल इज प्लेस नियर एन इनफाइनाइट मेटल प्लेट के पास रखेंगे, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स F2, ओके, देन F1 बाय F2 इक्वल टू, अभी कैसी इनफाइनाइट प्लेन शीट है, प्लेन शीट है, प्लेन शीट है, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कितना निकलेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन निकलेगा, ओके। चार्ज कितना है क्यू है, ठीक है, चार्ज कितना आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन, ठीक है भाई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या करें, लेकिन मास्टर में तो F1 की बात करें तो F1 की बात करें तो क्यों ही कर लेना, क्यों रो रहा है यार, क्यों, लेकिन क्या ही है फिल्म में, क्यों रो रहा है, एक काम कर क्यों ई कर, मास्टर क्यों ई करूंगा तो ई कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ठीक है, ठीक है। वो कह रहा है इनफाइनाइट मेटल की प्लेट, भाई मेटल की प्लेट में दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने का कारण इक्वल टू कितना आता है, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन आता है, ओके, ओ ओ ओ ओ ओके ओके, इसे E1 कहते हैं और इसे E2 कहते हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है मास्टर। अब पार्टिकल प्लेस नियर एन इनफाइनाइट मेटल प्लेट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स F2 को जो एक्सपीरियंस कर रहा है, बिल्कुल करेगा मास्टर, तो F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा क्यू ई हो जाएगा, क्यू है ई कितना, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट है, ओके। यदि अपन एक काम कर लें, अगर अपन जो है डिवाइड कर लें इसे, यदि अपन जो इसे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो भाई F1 डिवाइड बाय F2, तो आंसर जो इसका कितना आ रहा होगा जरा आप एक बार बताओ, या फिर एक काम कर लो मास्टर आप जैसे डिवाइड करके देख लो, है ना। हाँ, और जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि भाई ये तो ये ना हल्का सा ना गलत हो गया, मेरी बात सुनना भाई, इनफाइनाइट मेटल प्लेट के लिए हम जो ले रहे होते ना, इनफाइनाइट जो प्लेन शीट होती है उसके लिए ले रहे होते टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है गुरु जी। और जो हम ले रहे होते हैं भाई, ये क्या है, क्यू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, है ना,
एक इसके लिए इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए और एक इसके लिए इनफाइनाइट मेटल की प्लेट के लिए है। अगर बात करते हैं किसकी प्लेट के लिए, मेटल की प्लेट के लिए, तो ये आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब दोनों को डिवाइड करेंगे जरा, एफ वन बाय एफ टू को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा क्यू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय क्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मास्टर क्यों ना हम यहाँ से एक काम कर दें, क्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कर खत्म कर दें और यहाँ पे वन बाय टू आ जाएगा या नहीं आएगा बताएं जरा भाई, वन बाय टू आएगा कि नहीं आएगा। ऑप्शन है क्या मास्टर, वन बाय टू बिल्कुल है, ये देख थर्ड। ओके अगला चलते हैं मास्टर। हाँ बिल्कुल चलो, एक रोड है जिसकी जो लेंथ है मास्टर वो कितनी है, एल है, ठीक है ना। बात को सुन जरा ध्यान से, बहुत ही प्यारा सा सवाल है और आसान सा सवाल है ये भी। सुनिएगा, एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, जो उसकी टोटल चार्ज कितना लगा रही है, क्यू लगा रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स लेंथ, ये रही रोड, प्लस का चार्ज है, ठीक है गुरुदेव, ठीक है मास्टर। लेंथ कितनी है मास्टर, लेंथ एल है गुरुदेव। ओके ओके मास्टर, इट इज बेंड इन द शेप ऑफ अ सेमी सर्कल। चले भैया, इट इज बेंड इन द शेप ऑफ अ सेमी सर्कल, किस शेप में कह रहा है ना, लेकिन मास्टर आपने तो किसने बना दिया है। अरे तो रुक तो जाओ चाचा, रुको सुनो इधर, अब बताओ बना के नहीं बना सेमी सर्कल। हाँ बन तो गया, अरे रुक जाओ ना चाचा, ना बनाओ तो गया ना। हाँ बन तो गया मास्टर, बस तो फिर सेमी सर्कल की फॉर्म में अब आपने इसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव, इट इज बेंड इन द शेप ऑफ अ सेमी सर्कल, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ सेमी सर्कल के सेंटर पे कितना होगा, कितना होगा यदि इसकी रेडियस हम कितनी मान ले, आर मान ले। बहुत ही आसान है, तो कैसे आसान, कैसे बताओ जरा, बताओ जरा। क्या इसके रोड के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वल टू लेमडा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर है कि नहीं है। हाँ है तो मास्टर, यानी कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है लैम्डा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बिल्कुल बिल्कुल है मास्टर। लेकिन आप एक बार ऑप्शन देखें, कहीं भी आर का जिक्र नहीं है, हाँ, और ना ही लैम्डा का जिक्र है, बिल्कुल मास्टर। लेकिन मास्टर एक बात बताओ, क्या इसकी लेंथ एल है और इस सेमी सर्कल की लेंथ कितनी है, ये रही। क्या सेमी सर्कल की लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है, बराबर है, तो क्या एल इक्वल टू इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, पाई आर हो जाएगी, टू पाई आर का जस्ट आधा, बिल्कुल। तो आर की वैल्यू एल बाय पाई है, एल बाय पाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है सर, लैम्डा होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ टू पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट आर कितना है, आर है एल बाय पाई, एल बाय पाई, वन बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, नो 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 नो, एक काम कर दे मित्र, पाई से पाई को कट कर देने का ना वीडियो लोग, बिल्कुल, अरे पाई से पाई को कट कर देने का ना भाई लोग। हाँ यार ये तो पॉसिबल है, अपन ने सोचा ही नहीं है, तो कोई नहीं, अब सोच लिया ना भाई, तो पाई से पाई कट जाने का और ये बचने का क्यों भाई, टू एप्सिलॉन नॉट एल का स्क्वायर, ठीक है क्या, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट एल का स्क्वायर, ये रहा ऑप्शन नंबर फोर। अगला चलो, अगला चलो, अगला चलो, अगला चलो। सवाल तो आसान है सारे, सवालों की टेंशन नहीं। पढ़ लो भैया, अरे इतने पढ़ लो जरा। सुने
एक पार्टिकल है जिसका जो मास है एम है और चार्ज है क्यू है। मास एम है, चार्ज क्यू है, जो कि फेंका गया है स्पीड यू से अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यू। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर आगे, अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज थ्रोन एट ए स्पीड यू अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मास एम है, चार्ज क्यू है, यू से फेंक रहे हैं यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग, अगेंस्ट के अकॉर्डिंग, अगेंस्ट के अकॉर्डिंग फेंक रहे हो तो एक समय ऐसा आएगा जब जाके कैसी हो जाएगी, सुनिए भैया, मास एम है, चार्ज क्यू है और यू से जो हमने फेंका है एट ए स्पीड यू अगेंस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, द डिस्टेंस इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट यानी फाइनल वेलोसिटी कैसे जाने वाली है, जीरो हो जाने वाली है। और ये कह रहा है कि डिस्टेंस जो आखिरकार इसने कितनी ट्रेवल करी, मान लीजिए डी करी है। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, क्या फाइनल दे रखा है, फाइनल दे रखा है, क्या इनिशियल दे रखा है, इनिशियल दे रखा है, क्या प्लस में टू ए एस एस निकालना है, ए नहीं पता, ए नहीं पता। अच्छा एक चीज और, जब चार्ज को इधर फेंक रहे तो क्या एफ इक्वल टू क्यू ई से इसके ऊपर अट्रैक्शन ही लगेगा, लगेगा, तो क्या एफ इक्वल टू एम भी नहीं लगेगी। इधर देखिएगा, कोई नहीं, छोड़िए, क्यू ई बाय एम आ जाएगा। ठीक है भाई, एसेलेशन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। हाँ अब वी स्क्वायर तो कितना है मास्टर, फाइनल वेलोसिटी कितनी है मास्टर, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है। ठीक है, कोई नहीं, यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर प्लस में टू है, टू है, ए कितना रख रहे हैं हम, क्यू ई बाय एम रख रहे हैं, एम एम माइनस, भाई माइनस का क्यों आया, क्योंकि एसेलेशन रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए एसेलेशन पोज कर रहे हैं ना। अभी ये सब कुछ इधर फेंक हुए तो कितना हो जाएगा, ये टू क्यू ई डिवाइड बाय एम, देखना भाई ये ऑप्शन है क्या। नहीं ये ऑप्शन नहीं है मास्टर, और ऑप्शन ये है कि आप एक काम करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आना चाहिए। ओके, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई, लोग टू क्यू ही एम आ रहा है यार, पक्की बात, पक्की बात, देख ले यार, ये स्क्वायर टू क्यू ही एम बाय एस। ओके, नहीं आपने हल्की सी गलती कर दी ना मास्टर, जब इस सबको उठा के इधर फेंकोगे प्लस का हो जाएगा, टू क्यू ई बाय एम एस और इक्वल टू यू स्क्वायर, तो क्या एस की वैल्यू एम यू स्क्वायर डिवाइड बाय टू क्यू ई भी नहीं रही, ये बताइए। ठीक है भाई, देखना जरा, एम यू स्क्वायर बाय टू क्यू ई, हाँ अब है थर्ड ऑप्शन मास्टर। अगला सवाल 23, ये कह रहा है एक पार्टिकल है जिसके पास चार्ज माइनस क्यू है और मास एम है, मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, मूव कर रहा है एट अ फिक्स्ड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इन सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड टाइम पीरियड टी, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी करेक्ट। भाई इनमें बहुत ही आसान सा है, ये करना क्या है मैं ये बताता हूँ, देख करना क्या है, बहुत ही आसान सा है, करना कुछ नहीं होता, बहुत 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 ज्यादा आसान सा सवाल है ना, मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, जी ये है सवाल हमारे पास ना। क्यों ना मास्टर, एक काम किया जाए, बिल्कुल, एक पार्टिकल है जिसके पास जो चार्ज है वो माइनस क्यू है और मास है वो एम है, बिल्कुल, चार्ज जो है हमारे पास वो कितना बोलता है मास्टर, माइनस को क्यू बोलता है, मास माई एम बोलता है, जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में एक फिक्स्ड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू में, बिल्कुल, तो मास्टर एक फिक्स्ड पॉइंट चार्ज कर दिया सबसे पहले तो हमने, कितना करा, क्यू करा, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब इसके
जो साइड में जो कौन सा चार्ज घूम रहा है हमारा, और कौन सा चार्ज घूम रहा है यहाँ पे, घूम रहा है माइनस के क्यू घूम रहा है अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट चार्ज। ठीक है, सर्कल रेडियस कितनी दे रखी है, स्मॉल आर दे रखी है, और कितना समय लग रहा है इसे, कितना समय लग रहा है इसे, लग रहा है स्मॉल में। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, जब भी कोई बॉडी मूव करती है सर्कल में तो उसके ऊपर दो फोर्स लगती है, सबसे पहली जो फोर्स लगती है उसके ऊपर बाहर की तरफ को लगती है, और जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज एफ सी। एफ सी जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, जिसको हम कह रहे होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे होते हैं जिसको पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे होते हैं, एफ सी, जिसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर होता है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, एम वी स्क्वायर बाय आर होता है। ठीक है भैया, लेकिन अंदर की तरफ को एक फोर्स और लग रही होगी जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रो स्टेटिक है। आप देखिए जरा ये क्या हो जाएगी, एफ इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू यहाँ पर है, कैपिटल क्यू यहाँ पर है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। ठीक है भैया, और डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। अब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों को इक्वल रख दो मास्टर, के क्यू क्यू अपॉन में है आर का स्क्वायर, यह है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। लेकिन मास्टर एक बात बताओ, बिल्कुल पूछा भाई, एक आर से एक आर तो खत्म हो जाएगा। हाँ लेकिन अभी मत कर, थोड़ा कंट्रोल कर अपनी भावनाओं पे। कंट्रोल क्यों करने का, कंट्रोल इसलिए करने का कि हम तो एम रखने का, आर आर रखने का, लेकिन वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, ये भी रखने का, और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाने का, उसके बाद के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर हो जाने का। आप सभी जैसे कि जानते होंगे, अब कट करने का, एक आर से एक आर खत्म होने का, है ना। पूछा क्या हमसे, ओमेगा निकाले पहले, ओमेगा पूछा है, तो के हो गया स्मॉल क्यू हो गया कैपिटल क्यू हो गया, के हो गया स्मॉल क्यू हो गया कैपिटल क्यू हो गया, है ना। और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, ये कह रहा है और ना डिवाइड करना है किससे, अरे सुनना, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू हो गया, एम आर स्क्वायर आ जाएगा इसके नीचे, और इक्वल टू लिख दे किसके, ओमेगा के स्क्वायर, के स्क्वायर मत लगा, इसका रूट लगा दे। और बोल, और बोल। लेकिन मास्टर, मास्टर ओमेगा की जगह पर तुम 2π/t रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख ले। अच्छा के को अगर खोल दो तो 1/4π/ε0, बिल्कुल, क्योंकि ऑप्शन तो खैर इसमें है नहीं, ऑप्शन तो डायरेक्ट कह रहा है हटाओ यार यार। तो मास्टर एक बात बताओ, ये क्या है, के है स्मॉल क्यों है कैपिटल क्यों है, एम आर का स्क्वायर है ना। हाँ अब इसका क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। सुन जरा ध्यान, सुन, उल्टा कर दे इसका, जैसे उल्टा करेगा तो टी इक्वल टू 2π इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 2π, टू पाई आ जाएगा, और ये क्या है स्क्वायर रूट में क्या आएगा हमारे पास, एम आर स्क्वायर के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। बताइए सर, बताइए सर, स्क्वायर नहीं यार क्यूब हो जाएगा ना सर, मेरे को आर स्क्वायर और आर मिलेगा तो क्यूब हो जाएगा भाई, है ना। अब ये स्क्वायर रूट हटाओगे तो स्क्वायर आएगा, और ये डायरेक्ट पहुंच रहे किसके, आर की क्यूब के। जरा बताइए आप, टी स्क्वायर इज डायरेक्ट पहुंचल टू आर की क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्या है, 24। टू इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर है, दो हैं इंसुलेटर के, चार्ज हैं, कंडक्टिंग स्फेयर है, जिनकी रेडियाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, एक की 15 सेंटीमीटर, और जिनके पास इक्वल चार्ज है। ओके भाई, जब रेडियाई दे रखी है कि 20 दे रखी है कि 15 दे रखी है, लेकिन चार्ज दोनों बराबर 10, कनेक्टेड बाय कॉपर वायर एंड देन दे आर सेपरेटेड। देन एक बात बता, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास्टर, सिग्मा से डिनोट करते हैं, कि होता क्या है भाई, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है मास्टर, एरिया क्या होता है भाई स्फीयर का मास्टर, 4π r² होता है। ओके, यानी सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, बिकॉज 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 चार्ज इज सेम। अब मुझे एक बात होता, जिसका आर ज्यादा होगा क्या उसका सिग्मा कम होगा, बिल्कुल मास्टर, जिसका आर ज्यादा होगा उसका सिग्मा कम होगा क्या, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है ओनली 15 सेंटीमीटर स्फीयर विल बी ग्रेटर, यानी कि इसका जो आर ओ कम है तो इसलिए इसका सिग्मा ज्यादा, ऑप्शन नंबर सेकंड। देख अगला सवाल चल, इट इज ऑब्जर्व दैट, बहुत प्यारा सवाल है भाई, 25। ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि व्हेन सोप बबल इज गिवन सम पॉजिटिव चार्ज, जब सोप बबल को कुछ पॉजिटिव चार्ज देंगे, भाई जब भी तुम सोप बबल को, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, जब भी तुम किसी भी सोप बबल को एक पॉजिटिव चार्ज दे लो या फिर नेगेटिव चार्ज दे लो, कोई सा भी चार्ज दे भाई, हाँ कोई सा भी चार्ज दे दे, चाहे पॉजिटिव दे दे चाहे नेगेटिव दे दे, इसकी रेडियस हमेशा बढ़नी ही बढ़नी है। व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा सोप की बबल को, इफ इट इज गिवन इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज दें इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उससे क्या होगा, उसकी रेडियस वो बढ़ेगी बढ़ेगी, ध्यान रखना ध्यान रखना, उससे क्या होगा, उसकी रेडियस है वो क्या होने वाली है, बढ़ने ही बढ़ने वाली है। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई, ये भी इसको रफ करेंगे पहले रिजल्ट से, है ना। क्या करें, देखो थोड़ा सा बस, और देखो कंप्लीट सॉल्व कर रखे, कंप्लीट एकदम कंप्लीट सोल्व कर रखे भाई सवाल, ठीक है ना।
कोई नहीं मास्टर, चलता रहता है तो थोड़ा बहुत। हाँ चलता तो रहता है, बट थोड़ा बहुत तो देखा भी जाए, थोड़ा बहुत नहीं है। चलिए, चार जैसे क्यू है, टू क्यू है, फोर क्यू है और एट क्यू है, जो कि रख रखे हमने कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर रख रखे हैं, आर, टू आर, फोर आर और एट आर की दूरी पर ओरिजिन से रेस्पेक्टिवली। ओके, रख रखे अलोंग एक्स एक्सिस आर, टू आर, फोर आर, एट आर फ्रॉम ओरिजिन रेस्पेक्टिवली, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी ओरिजिन इज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है ओरिजिन। बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये, हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, कहाँ पर पूछ रहा है मास्टर, ओरिजिन पे पूछ रहा है। आप देखिएगा जरा सर, ओरिजिन पे पूछ रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये लीजिए, पहले तो हमने इसके लिए बना ली नंबर लाइन, पहले तो हमने इसके लिए क्या बना ली नंबर लाइन बना ली, और जब नंबर लाइन बना ली तो क्या हमारे पास ये वाला ओरिजिन हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा चार्ज है, क्यू है, और वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है, आर दूरी पर रखा हुआ है। ओके, ये लीजिए हमारे पास ये हो गया कौन सा चार्ज, क्यू चार्ज है, आर दूरी पर है। अगला बताइए, अगला बताइए, अगला बताइए, ये लीजिए आर दूरी पर। अगला कौन सा मास्टर, अगला मास्टर टू क्यू है, मास्टर अगला नहीं चार्ज, अगला है टू क्यू, है ना। अगला कौन सा मास्टर, अगला है फोर क्यू, चार्ज अगला कौन सा मास्टर, फोर आर है। अगला चार्ज कौन सा मास्टर, एट क्यू है। अगला चार्ज कौन सा मास्टर, एट आर है फ्रॉम ओरिजिन रेस्पेक्टिवली। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ओरिजिन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मास्टर, सुनो मेरी बात जरा। हाँ जी सुनाओ। ई इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, बिल्कुल होगा भाई, मैं तो मना नहीं कर रहा, सुन मास्टर। ई इक्वल टू होता है के ऊपर में आर का स्क्वायर, भाई बिल्कुल होगा। तो मास्टर दूसरे का भी यही तो हो जाएगा, बिल्कुल दूसरे क्या होगा के टू क्यू डिवाइड बाय, और जब तुम इसका आर देखो तो फोर आर स्क्वायर आ जाएगा मास्टर इसको, तो बिल्कुल आ जाएगा। तीसरे कितना हो जाएगा के फोर क्यू डिवाइड बाय, इसका 16 आर का स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल। इसका कितना जाएगा के एट क्यू डिवाइड बाय 64 आर का स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और ऐसे ही कहाँ पर जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं भाई। देखो मास्टर क्यों ना एक काम करते हैं हम, यहाँ पे क्या के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर कॉमन ले लें भाई, ले ले। यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे दो दूनी चार, 1/2 आएगा, 4 × 16 1/4 आएगा, 8 × 8 = 64, 1/8 आएगा, और ये पहुंचेगा डायरेक्ट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है जी। के क्यूब बाय आर स्क्वायर ये कितना है, 1 + 1/2। अब आप जानते होंगे इसके लिए हम सोल्व करते हैं एक क्या एपी और जीपी वाली थ्योरम, है ना, एपी वाली थ्योरम लगाते हैं। वो क्या कहता है, अगर इसकी डिस्टेंस को निकालना तो क्या क्या होता है बताओ जरा, ए होता है 1 - r होता है, अगर पता हो तो। ए क्या है, जो पहला वर्ड है, 1 - 1 - में r कितना है, एक मिनट ना गलत लिख दिया मैंने गलत लिख दिया, ये लिखा होता है भाई मेरे मास्टर, ये हमारे पास होता है ए बाय 1 - r होता है, बिल्कुल। ए कितना है पहला वर्ड जो है, 1 - r कितना है, r कितना है 1/2, दो में से, अब 1 में से 1/2 गया तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब आप बताइए सर, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है के क्यू बाय आर का स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, 2 KQ बाय आर का स्क्वायर हो जाएगा, बताइए सर, 2 KQ बाय r का स्क्वायर। ये ले देखिए, 4π ε0 तो आ ही जाएगा ना जबकि वो खोलेगा। अगला, तीन चार्जेस है प्लस का 4Q, Q एंड Q आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन में रखे हुए, लेंथ है l एट पॉइंट 0, l/2 एंड l रेस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी कैपिटल Q इन ऑर्डर टू मेक नेट फोर्स ऑन स्मॉल Q टू बी 0। सर तीन चार्जेस हैं, ये तीन चार्जेस रखे सीधे रास्ते पे, एक एल पर, लेंथ एल, लेंथ एल एट पॉइंट 0, एक तो यहां पर रखा हुआ 4Q, अगला एक रखा हुआ एल बाय टू, L/2 पे कैपिटल क्यू, भाई मेरे यहां से यहां तक की डिस्टेंस L है, तो ये भी कितना हुआ, 2 हुआ, L/2 हुआ। आगे, वॉट शुड बी कैपिटल क्यू भाई, अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं मित्र, बात को सुन, क्या सुन, ऐसे बता ले, सुन 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 सुन, तुझे समझ में क्या नहीं आया, अरे हद होती है, 4Q है यहाँ पर, यहाँ पर कैपिटल क्यू है, यहाँ पर स्मॉल क्यू है, हाँ
क्या ये वाला बंदा जो है एल बाई टू पर रखा हुआ है? हाँ क्या वाली दूरी है, बिल्कुल है। और शुड बी कैपिटल क्यू क्या होगा, इन ऑर्डर टू मेक नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू टू बी जीरो। स्मॉल क्यू पर यदि 4-0 है तो कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होगी? मास्टर तो आसान है बहुत, बिल्कुल आसान है भाई मेरे बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। सुनिए इधर एक बात होता, क्या ये वाला बंदा, व्हाट शुड बी क्यू इन ऑर्डर टू मेक नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू टू बी जीरो, इसका ऑप्शन नहीं क्या है? ये देखिए सुनिए इधर, अगर फोर क्यू, अगर क्यू पॉजिटिव है मान ले तो क्या ये भी पॉजिटिव होगा? बिल्कुल होगा। क्या इसे रिपेल करेगा? बिल्कुल करेगा एफ वन के कारण, है ना। चल निकालता हूँ मैं एफ वन, क्या एफ वन के क्यू फोर क्यू डिवाइड बाय एल का स्क्वायर सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अगला 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 मास्टर, अगर इस पर जीरो चाहते हो तो एक फोर्स आपको अपनी तरफ लेनी होगी इधर, ठीक है जी। एक फोर्स आपको अपनी तरफ लेनी होगी, दैट इज कॉल्ड एफ टू। और एफ टू कितनी हो जाएगी? हो जाएगी के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय एल बाय टू का स्क्वायर। एक चीज और, एक चीज और सुनेगा जी, अरे पंडित जी सुनेगा, अरे पंडित जी सुनेगा, पंडित भाई पंडित भाई पंडित भाई सुनेगा, अरे सुनेगा यार सुन, ये एफ टू दे लग रहा है। अब कोई कह सकता है मास्टर आप इसे एफ टू कैसे ले रहे हैं, आप इसे नेगेटिव क्यों? अरे चाचा एक बात होता है, जब ये नेगेटिव होगा तभी तो ये इधर की तरफ को लगेगा, पॉजिटिव होगा तो इधर लग जाएगा, इधर लगते तो काम करा हो जाएगा, फोर्स आगे ऐड हो जाएगी, हमें तो जीरो करनी है, हमें तो जीरो करनी है। बात को समझ, अरे बात को समझ, बात को समझ, बात को समझ, बात को समझ, दोनों को कर दे इक्वल, दोनों कर दे इक्वल, जो तो दोनों को इक्वल करेगा के स्मॉल क्यू। फिलहाल के लिए तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें बाद में करें, ठीक है सर? तो क्यों बन रहा है भाई, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू जाएगा, फोर से फोर भी जा सकता है वैसे, है ना, जा सकता है, चला ही जाएगा, कैसे के चला गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर चला गया, या कि स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू, लेकिन यहाँ पे माइनस का आगे ध्यान रखने की बात का, तो क्योंकि वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के क्यों क्यों आ गई है, या फिर क्योंकि वैल्यू कहते हैं क्यों आ गई, लेकिन आएगा कैसा है, माइनस का आएगा, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अगला सवाल ये रन ऑप्शन भी है, सुनिएगा। फॉर द गिवन चार्ज अरेंजमेंट, एक गिवन चार्ज अरेंजमेंट के लिए, द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद डिस्टेंस आर, भाई होगा क्या, जैसे जैसे अगर आपका मान लो ये स्फेयर है, ये स्फेयर का सन्नाटा बिल्कुल है ना, स्फेयर में बिल्कुल सन्नाटा है, और आप जो है ठीक है सर, यहाँ पे सेंटर पे जीरो, द ग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सेंटर पे तो बिल्कुल जीरो, लेकिन जैसे जैसे सेंटर की तरफ को बाहर बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, सरफेस पर मैक्सिमम मिलती है, सरफेस पर मैक्सिमम मिलती है, फिर दोबारा फिर घटती जाएगी, है कि नहीं? और देखिए जरा फर्स्ट पर सेंटर पर मैक्सिमम नहीं, पॉसिबल ही नहीं, सेंटर पर मैक्सिमम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, सेंटर पर मैक्सिमम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब मुद्दा आता है इसमें, आप जानते होंगे सुनेगा, तो ये तो होगा नहीं है ना, ये भी नहीं होगा, और ये कह रहा है ओरिजिन से स्टार्ट करें फिर धीरे 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 बढ़ता जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, ओरिजिन से स्टार्ट करें धीरे 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 बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगा सेंटर पे, उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है एकदम। सेकेंड अगला सवाल।